Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. The 38th question is, in the gate table below, heartbeats of 30 women are recorded. If the mean of the data is 76, find the missing frequency x and y. You can see the data, number of heartbeats per minute and the number of the women. तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये टेबल बनाई हुई है नंबर ऑफ हार्टबीट यानी क्लास की एंड द फ्रीक्वेंसीज की. यहाँ पर मैंने एक्स आई जो है इनका क्लास का मिडिल टर्म एक्स आई के लिए बनाया हुआ है. डी आई यानी डेविएशन, मैं इसे एज्यूम मीन मेथड से करूंगा तो डी आई कितना हो जाएगा एक्स आई माइनस ए एज्यूम मीन इज मल्टीप्लाइड इट बाई एफ आई इंटू डी आई. एक इसकी टेबल बनाई है तो अब टेबल कंप्लीट करते हैं. यहाँ पर सी टोटल, तो पहले मैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर कर लेता हूँ. FI का जब मैं निकालूंगा वो मुझे यहां पर कितना आएगा 26 प्लस x प्लस y, ये जो सम दिया हुआ है और ये इक्वल कितने के होगा 30 के इक्वल है जो मुझे गिवन है. सिंस सिग्मा FI इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 26 प्लस x प्लस y. तो यहां से क्या आया x प्लस y की वैल्यू कितनी आई 4 के बराबर. ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी. Now, अब आप XI की टेबल यहां पर फिल कीजिए. XI मिडिल टर्म यानी 65 प्लस 68 बाई 2 दैट इज 66.5, 68 प्लस 71 बाई 2 69.5, 71 प्लस 74 बाई 2 72.5 एंड 74 प्लस 77 बाई 2 दैट इज 75.5 एंड सिमिलरली 78.5, 81.5 एंड देन 83 प्लस 86 बाई 2 इज 84.5. ये आपका XI आ गया. लेट अब इन्हीं में से मैं मिडिल वाला जो एक्स आई है उसे ए ले लेता हूं. लेट ए इज इक्वल टू 75.5, ये मैं एज्यूम मीन मान लेता हूं. अब ए की वैल्यू तो आ गई, अब आप डी आई की वैल्यू फिल कीजिए एक्स आई में से ए की वैल्यू यानी 75.5 माइनस करके 75.5 लिया है मैंने. नाउ 66.5 माइनस 75.5 इज माइनस 9. नाउ 69.5 इज माइनस 75.5 इज माइनस 6, माइनस 3 0, 3 डिफरेंस यहां 6 आएगा एंड 9 आएगा. नाउ अब एफ आई इंटू डी आई यानी एक्स इंटू माइनस 9 इज माइनस 9x, 4 इंटू माइनस 6 इज माइनस 24, 3 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3 माइनस 9, 7 इंटू 0 इज 0, 8 इंटू 3 इज 24, 4 इंटू 6 इज 24 एंड y इंटू 9 इज 9y. हम यहां पर जब सम निकालेंगे देन सम एफ आई डी आई का कितना आएगा, एफ आई डी आई का सम आएगा 9y माइनस 9x माइनस दिस इज प्लस, प्लस का आएगा 15. तो ये आपका सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई. नाउ मीन कितना हो जाएगा, एज्यूम मीन मेथड से मीन हमारा हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. मीन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है गिवन 76 के बराबर, ये मैं रख दूंगा. Then 75.5 ये की वैल्यू, एफ आई डी आई कितना आया 9y माइनस 9x प्लस 15 अपॉन में एफ आई की वैल्यू स्टूडेंट में यहां 30 रखता हूं क्योंकि मुझे गिवन एफ आई की वैल्यू. 76 माइनस 75.5 कितना होगा 0.5. देन 9y माइनस 9x प्लस 15 इज इक्वल टू 30. 30 की वैल्यू 5 में आप मल्टीप्लाई कीजिए, 30 की 5 में यू विल गेट 15. सो 15 इज इक्वल टू 9y माइनस 9x प्लस 15. 15 से 15 कैंसिल आउट, सो दिस विल कम 9y इज इक्वल टू 9x. 15 से 15 कैंसिल आउट और आपको क्या मिलेगा 9y 9x के बराबर यानी x इज इक्वल टू y. ये इक्वेशन 2 हो जाएगी आपकी. नाउ ये वैल्यू अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए x को y के बराबर. So put x is equal to y in equation 1, यानी x plus y is equal to 4 जो था हमारा. x plus y तो यहाँ कितना हो जाएगा, x plus x is equal to 4, 2x is equal to 4, so x is equal to 2, तो x की वैल्यू 2y और y की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी क्योंकि दोनों इक्वल हैं. so x is equal to 2 and y is equal to 2 are the missing frequencies जो required.